कई तरह के है, उसमें बहुत सारे स्नैक आते हैं, पानी ऊपर आता है, सब प्रॉब्लम तो है। उसको फेंक जाते हैं, मच्छर बहुत लगते हैं, इससे बीमारियां फैलती हैं, गंदगी बहुत होती है यहाँ पे। तो है तो बीमारियां, बुखार आएंगे नहीं? जब गंदगी में रह रहे हैं तो बुखार उखार तो है, कोई सुन नहीं रहा है हमारी यहाँ बात। जितनी दस चौमास आओ थे तो हम घुसे नहीं पाए थे घर, पाइप वाइप जमीन नहीं करे, पूरे पानी में बूढ़ जाती चौमासी, इतना इतना पानी रोडन से जात है। कई बार गए हैं, अधिकारी से गए हैं, यहाँ विधायक और यहाँ के प्रतिनिधि आए भी, एक दूसरे को समझाए भी, प्रचार चुनाव आता वहाँ बोल देते कि ठीक है ये काम करवा देंगे, ये सिस्टम जो है पूरा हम करवा देंगे, लेकिन जैसे चुनाव यहाँ हुआ तो कोई भी यहाँ प्रतिनिधि नहीं आता, चाहे जिस पार्टी का हो। धीरज नगर में नई बस्ती है, वो वहां पर सड़कों का अभाव है, नालियों का अभाव है, ये सही है, किंतु नगर पालिका के पास फंड न होने के कारण कुछ समस्याएं हैं, जिसके कारण अभी वहां पर काम सारी रोडें हम एक साथ नहीं बनवा पा रहे हैं। कुछ रोडों का इस बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पास हुआ है और वह सूचीबद्ध होकर के जिलाधिकारी महोदय के यहाँ आज फाइल पहुंच रही है और वहां से जैसे स्वीकृत होकर आती है ई टेंडरिंग के बाद वहां काम चालू किया जाएगा। अगर आप इस तरह की ग्रामीण पत्रकारिता को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर क्लिक करें। शुक्रिया।